हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक्स मौत का देवता का दूसरा और अंतिम भाग। शुक्र है आसानी से तैयार हो गया। कोटरा, सभी यानों को मेन हवाई अड्डे पर उतरने का निर्देश दो और अपने यान का रुख भी उतर कर दो। ओके कैप्टन हिंग। शीघ्र ही वारटोम के यान राम के यान को अपने घेरे में लिए वारटोम के मुख्य हवाई अड्डे पर पहुंचे। यान को धरती पर उतारने के पश्चात राम जब यान से बाहर निकला तो उसे कैप्टन हिंक सहित 20 सैनिकों ने अपने गनों के लक्ष्य पर ले लिया। ले चलो इसे शैतान छोकरे को सम्राट के पास। चलो आगे बढ़ो लड़के। राम को वारटोम के क्रूर एवं भयंकर शासक सम्राट ओमारू के सामने पेश किया गया। तो यह है वह प्रतिवासी पिद्दी छोकरा जिसने थोड़ी देर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। शैतान ओमारू, अभी हंगामा कहाँ मचाया है? जब हंगामा मचेगा तो उस समय तो मौत से बचने के लिए पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भागते फिरोगे। खामोश कुस्ताख, जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? हम चाहें तो इसी समय तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तुम्हें उस समय तक अवश्य जिंदा रखेंगे जब तक कि जयकुला का सम्राट मंडोला हमारे कदमों पर अपना सिर न झुका दे। जनरल मोंटो, ले जाओ इस मूर्ख को हमारे सामने से और उसी कैद खाने में डाल दो जहां इसका साथी कैद है। हम इन सब की और सम्राट मंडोला की जिंदगी का फैसला जयकुला पर फतेह हासिल करने के बाद ही करेंगे। जो आज्ञा महामहिम। जनरल मोंटो ने राम को भी उसी कैद खाने में डाल दिया जहां रहीम कमांडर जोरो आदि के साथ बंदी बनाया गया था। अरे राम, राम भैया, रहीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, शाबाश, खूब अच्छी तरह मिल लो गले। 24 घंटों के बाद फिर शायद ही तुम लोग एक दूसरे को जिंदा देख सको। चलो सैनिकों, पहरेदारों को छोड़कर जनरल मोंटो अन्य सैनिकों के जाने के बाद, राम भैया तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? हाँ मिस्टर राम, हमें भी आश्चर्य हो रहा है तुम्हारे जाने के बाद। बस बस कमांडर, आपको किस मजबूरी के कारण पृथ्वी छोड़नी पड़ी वो मुझे मालूम हो गया। अब सुनिए, मैं और प्रोफेसर भास्कर यहाँ कैसे पहुंचे। फिर राम ने कमांडर जोरो के जाने के बाद अपने और प्रोफेसर पर जो बीती थी उससे लेकर जयकुला तक पहुंचने और वहां से वारटोम ग्रह तक पहुंचने की सारी कहानी कह सुनाई। यहां तक तो तुम पहुंच गए राम भैया, लेकिन हम कैद से निकलेंगे कैसे? हमें कैसे निकालोगे कैसे? हाँ मिस्टर राम, तुम जिस योजना के अंतर्गत यहाँ आए हो वह तो तभी पूरी की जा सकती है जब यहाँ से किसी तरह निकला जा सके। परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। फिर राम ने प्रोफेसर द्वारा दिए गए सुपर सूट, रिवॉल्वर और बटन नुमा बमों के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानकर रहीम के साथ साथ कमांडर जोरो आदि के भी चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। वाह, फिर तो हम यहाँ से आसानी के साथ निकल सकते हैं। बिल्कुल, अब तुम सब मेरी योजना सुनो। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें दो ग्रुपों में बंटकर यहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करना है, जैसे हवाई अड्डा, हवाई कंट्रोल रूम, ऊर्जा स्टेशन आदियों को। अपनी योजना समझाने के बाद राम ने थैली से कुछ टाइम बम और दस्ती बम निकालकर रहीम और कमांडर जोरो आदि को दे दिए। इन छोटे किंतु शक्तिशाली बमों का प्रयोग कर तुम लोग अपना कार्य आसानी से पूरा कर सकते हो। ठीक है, समझ गए, लेकिन यहाँ से हम निकलेंगे कब? रात के दूसरे पहर, राम ने कहा। और फिर वे सब खामोश होकर रात होने का इंतजार करने लगे। और रात के दूसरे पहर जब पहरा देने वाले सभी सैनिक ऊंघने लगे तो राम ने अपना लेजर रिवॉल्वर निकालकर लोहे के द्वार पर अग्नि किरणों का प्रयोग किया। वाह, वो मारा। शीघ्र ही जल्दी बाहर निकलो और पहरेदारों को बेहोश कर उनके हथियार अपने अधिकार में ले लो। आहट सुनकर ऊंघते पहरेदार चौंके, लेकिन तब तक उन्हें संभलने में काफी देर हो चुकी थी। मेरे विचार से अब समय नष्ट ना करके दो ग्रुपों में बंटकर अपने अपने काम पर निकल जाओ, मैं सम्राट ओमारू से निपटता हूँ। ठीक है। अगले ही पल वे सब कैदखाने से बाहर निकलकर दो ग्रुपों में बंट गए। तुम लोग मेरे पीछे आओ और तुम लोग मेरे पीछे। रहीम और कमांडर जोरो आदि के नजरों से ओझल हो जाने के बाद राम भी तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। 24 घंटों के बाद जयकुला पर होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए मुझे सर्वप्रथम यहाँ के सम्राट ओमारू को बौखलाना होगा और यह काम यहाँ की प्रजा को भयभीत करके आसानी से हो सकता है। उधर रहीम जब अपने ग्रुप के साथ वारटोम के विशाल सैनिक हवाई अड्डे पर पहुंचा। हे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? सामने आओ। ओह, हम देख लिए गए हैं। अगले ही पल फायर आदेश मिलते ही उफ आ और शीघ्र ही पहरेदार सैनिकों की लाशें वहां बिछ गईं। भीतर चलो और टाइम बमों को 5 मिनट के लिए सेट करके चारों तरफ फिट कर दो। ओके मिस्टर रहीम, चलिए।
फिर वे सभी हवाई अड्डे के भीतर प्रविष्ट हो गए और उन्होंने आनन फानन में बहुत से बटन नुमा किंतु शक्तिशाली टाइम बम चारों ओर खड़े यानों व महत्वपूर्ण स्थानों पर फिट कर दिए। चलो अब निकलो यहाँ से, अब हमारा अगला लक्ष्य होगा यहाँ का पावर स्टेशन। और जैसे ही वे हवाई अड्डों से निकले, कुछ दूर पहुंचे, काम पूरा हुआ। लेकिन जल्दी में यहां से दूर हो लो, जल्दी से यहां से दूर हो लो, सम्राट का सैनिक दस्ता यहां पहुंचता ही होगा। इधर अपने ग्रुप के साथ वारटोम के सैनिकों का सफाया करते हुए कमांडर जोरो ने वारटोम का हवाई कंट्रोल रूम सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। हमने दुश्मन का एक हाथ तोड़ डाला, निकल चलो, अब हमें यहां से वाटर सप्लाई टैंक को उड़ाना है। इधर रहीम और कमांडर जोरो अपने साथियों के साथ वारटोम की महत्वपूर्ण इमारतों को तबाह करने में जुट गए थे। और उधर राम भागो उड़ते हुए राम द्वारा मचाई जाने वाली भयानक तबाही और मारकाट से वारटोम की प्रजा शीघ्र ही बुरी तरह भयभीत हो उठी। वह प्रतिवासी हम सबको मौत के घाट उतार कर ही दम लेगा। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उससे कैसे छुटकारा पाए। यह विपत्ति हम पर सम्राट के कारण ही आई है। ना वह जैकुला पर बार बार आक्रमण कर उसे छेड़ता और ना जैकुला हम पर यह विपत्ति छोड़ता। हमें सम्राट के पास चलकर उनसे ही इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछना चाहिए। तब चलो हम सम्राट के पास ही चलें। यदि वह हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो उसे भी शासन करने का कोई हक नहीं। हाँ हाँ चलो, अपनी हवस को पूरा करने के लिए हमारी आहुति देने से उसे कोई हक नहीं। और भयभीत प्रजा क्रोधित होकर उसी समय अपने सम्राट ओमारू से मिलने चल पड़ी, जबकि राम अदृश्य रूप में उनके सिर पर अब भी मौजूद था। थोड़ी तबाही और खून खराबा जरूर करना पड़ा, लेकिन प्रजा पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। प्रजा क्रोध में अपने सम्राट से मिलने जा रही है, अब मुझे राजमहल पहुंचकर कोई उत्पात खड़ा करना होगा, करना चाहिए, जिससे प्रजा और राजा में ठन जाए। फिर राम के सीने पर लगा तेज गति से उड़ने वाला बटन दबाया और भीड़ से पहले ही राजमहल के भीतर पहुंच गया। अब मुझे प्रकट हो जाना चाहिए ताकि महल के रक्षक मुझे देखकर बौखला उठे। राम जैसे ही दूसरा बटन दबाकर प्रकट हुआ, एक तरफ से आते गश्ती पहरेदारों की दृष्टि उस पर पड़ गई। अरे वह देखो कौन है, पकड़ो उसे। चलो ये भी अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे देख लिया, अब जरा इनकी खोपड़ी उल्टी करूं। और अगले ही पल राम ने सुरक्षा किरणों और उड़ने वाला बटन दोनों ही दबा दिए। अरे वो तो उड़ रहा है, फायर करो। दूसरे पल थाए। उफ, उस छोकरे पर तो हमारी साधारण गोलियां अथवा लेजर किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वह कोई खतरनाक इंसान मालूम पड़ता है। खतरे का अलार्म बजा दो। बहुत अच्छा श्रीमान। उस व्यक्ति के जाने के बाद, और तुम सब मेरे साथ आओ, हम उसका पीछा करेंगे। कुछ ही देर बाद पूरे राजमहल में खतरे का अलार्म बज उठा और इसी के साथ वहां के तमाम रक्षक एवं सैनिक सतर्क हो उठे। खतरे का सायरन, जरूर कोई गड़बड़ है, अपने अपने हथियार संभाल लो। फिर यह बात फैलते ही कि एक उड़ने वाला विचित्र लड़का राजमहल में घुस आया, सभी सैनिक जोर शोर से उसकी तलाश करने लगे। कहां है वह सुपरमैन? उस तरफ गया है। शीघ्र ही बहरा सुपरमैन, फायर तुरंत, शू 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 शू। परंतु विनाशक किरणों का भी राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया, अब जरा उन्हें सुपरमैन की असलियत भी दिखा दूं। और राम उड़ते हुए लेजर रिवॉल्वर के साथ साथ दस्तानों का भी प्रयोग करने लगा। अग्नि किरणों वाले ट्रिगर को दबाते ही पीछा करने वाले सैनिक जल उठे। हाय! ठंडी किरणों वाले ट्रिगर को दबाने से मार्ग में आने वाले सैनिक अपने स्थान पर ही बर्फ के बुत बन गए। इसी तरह उसके दस्तानों से निकलने वाली किरणों ने घातक परिणाम दिखाया। उफ, मरा, भागो! देखते ही देखते पूरे राजमहल में लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। रास्ता साफ है, अब अदृश्य होकर सम्राट ओमारू की खबर लेनी चाहिए। उधर वारटोम का क्रूर शासक ओमारू अपने विशेष महल में इस समय बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसे राम द्वारा महल में मचाई गई मारकाट व महत्वपूर्ण स्टेशनों की तबाही के बारे में सारी सूचना मिल चुकी थी। यही कारण था कि जनरल मोंटो व ग्रह के अन्य उच्च अधिकारी इस समय उसके सामने मौजूद थे। मैं पूछता हूँ कि पूरी फौज के रहते हुए भी उन मुठ्ठी भर लोगों ने यह सब कुछ कैसे कर दिया? कैसे निकले वे कैद से लोहे की सलाह के पिघलाकर? और तुम सब क्या करते रहे उस समय? सम्राट, भूल से हम उस नए पृथ्वीवासी कैदी राम को की तलाशी नहीं ले पाए थे। मेरे विचार से यह सब कुछ उसी का किया तरह है। ओमारू ने क्रोध में भरकर तुरंत अपना लेजर रिवॉल्वर निकाल लिया। तब तुम ही सबसे पहले अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतो, कैप्टन हिंक। और जब कैप्टन हिंक जलकर राख के ढेर में बदल गया, अब तुम लोग ध्यान से सुनो, मुझे वे सभी कैदी 2 घंटे के भीतर जिंदा या मुर्दा चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो तुम सबकी मौत भी कैप्टन हिंग की तरह ही होगी। जी महामहिम। तभी एक घबराए हुए सैनिक ने वहां प्रवेश किया। सम्राट, सम्राट, गजब हो गया सम्राट, अब तुम क्या बुरी खबर लाए उल्लू की तुम?
महामहिम हजारों की संख्या में आई प्रजा इसी समय आपसे मिलना चाहती है और वह बहुत ही क्रोधित मालूम पड़ती है। जरूर वे उन कैदियों द्वारा मचाई गई तबाही के सिलसिले में ही मिलना चाहते होंगे, लेकिन इस समय हम परेशान हैं और उनसे कतई नहीं मिलना चाहते। जाओ उनसे कह दो, यह हम उनसे पहले ही कह चुके हैं सम्राट, लेकिन वे बिना मिले वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो सैनिकों से कहकर उन्हें खदेड़ दो। ठहरिए महामहिम, ऐसा करना उचित ना होगा। क्यों उचित नहीं होगा जनरल? ऐसा करने से प्रजा क्षुब्ध होकर बगावत पर भी उतर सकती है, तब समस्या और विकट हो जाएगी। मेरे विचार से तो इस समय उन्हें चलकर ढांढस बंधाना ही उचित होगा। ओह ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन तुम सैनिकों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दो। हमें प्रजा के आसार कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। जो आज्ञा महामहिम। कुछ देर बाद सम्राट ओमारू जनरल मोंटोवान उच्च अधिकारियों के साथ साथ बहुत से सैनिकों को लेकर अपने महल के बुर्ज पर पहुंचा, जबकि राम, जो कि महल में होने वाली उनकी तमाम बातचीत सुन चुका था, अर्दृश्य होकर तमाशा देखने के लिए आकाश में मंडरा रहा था। कहो क्यों मिलना चाहते हो तुम लोग? हम जयकुला और उनके मित्र पृथ्वीवासियों द्वारा मचाई गई तबाही से छुटकारा पाना चाहते हैं महामहिम। आप जयकुला से युद्ध बंद करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं सम्राट? हाँ सम्राट, हम और व्यर्थ में ही अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार नहीं। आप हमारे अन्नदाता हैं महामहिम, अतः आप ही हमारे घर बार और बाल बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। तुम लोग व्यर्थ ही घबरा रहे हो, जाओ अपने अपने घर जाओ। विश्वास करो, भोर होने तक वे मुट्ठी भर विध्वंसकारी जिंदा नहीं रहेंगे। नहीं, हम तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक आप हमें जयकुला से युद्ध बंद करने का वचन नहीं दे देंगे। हाँ हाँ, हम तब का वापस नहीं लौटेंगे। खामोश मूर्खों, यह युद्ध किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जाएगा। हम जयकुला को फतह करके ही रहेंगे, यह हमारा दृढ़ निश्चय है। कायरो जैसी बातें बंद करो और अपने अपने घर को लौट जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। बंद करो अपनी बकवास और भाग जाओ यहां से, वरना एक एक को भून कर रख दिया जाएगा। अपने सम्राट की बात सुनकर प्रजा का खून और भी उबाल खा गया। सम्राट ओमारु मर्दाबाद, ये जानलेवा युद्ध बंद करो, हम शांति चाहते हैं। तुम लोगों की राह, तुम लोगों की ये हिम्मत, सैनिकों भून डालो इन सबको। ठहरिए सम्राट, ऐसा करना उचित नहीं होगा, यह प्रजा के साथ अन्याय है। तुम खामोश रहो बुजदिल, तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। सैनिकों आदेश का पालन करो। और अपने सम्राट के आदेश पर सैनिकों ने प्रजा को भुट्टे की तरह भूनना आरंभ कर दिया। हम मर जाएंगे लेकिन वापस उफ, यदि उन्हें नहीं रोका गया तो निर्दोष प्रजा नाही की मारी जाएगी। अगले ही पल राम प्रकट होकर तीव्र गति से सम्राट ओमारू की ओर झपटा। उफ, यह तो वही प्रतिवासी छोकरा है, सैनिकों बचाओ मुझे। अरे, परंतु इससे पहले कि सैनिक अपने सम्राट को बचाने का कोई उपाय कर पाते, उफ, राम उसे गिरेबान से थामकर हवा में उड़ गया। कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जनरल मोंटो आदि सभी अधिकारी और सैनिक यह दृश्य देख सकते में आ गए। बचाओ, इस शैतान को हमारे हवाले करो, हम ही इसका फैसला करेंगे। प्रजा की बात सुनकर, ठीक है, आप लोगों के खूनी को मैं आपके ही हवाले कर रहा हूं, आप लोग स्वयं ही शैतान को सजा दें और नया शासक चुने। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, प्रजा मेरे चित्र चित्र उड़ा देगी। लेकिन राम ने ओमारू की गिड़गड़ाहट पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसे ऊपर से भीड़ पर उछाल दिया। अब अपनी करनी का फल भुगत शैतान, नहीं। और जैसे ही ओमारू भीड़ के मध्य जाकर गिरा, भीड़ उस पर किसी भूखे गिद्धों के समान टूट पड़ी। तभी रहीम भी कमांडर जोरो आदि के मध्य वहां पहुंच गया। राम भैया। आहा रहीम, मैं नीचे आ रहा हूं। राम नीचे उतरा तो रहीम ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सच भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ रहीम, ईश्वर की कृपा से हमारा मिशन सफल हो गया। इधर ओमारू के चित्रे चित्रे उड़ाने के पश्चात भीड़ का क्रोध शांत हुआ और वह राम रहीम आदि की जय जयकार कर उठे। पृथ्वीवासी जिंदाबाद, जैकला वाटो मित्रता जिंदाबाद। देवता की दया से जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। अब आप लोग फिर से अपना मनपसंद नेक और दयालु राजा चुनकर शांति के साथ रह सकते हैं। हमारी ओर से दोनों देशों की मित्रता पर शुभकामनाएं। हम जनरल मोंटो को अपना राजा मानते हैं। जनरल मोंटो जिंदाबाद, सम्राट मोंटो जिंदाबाद। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे पृथ्वीवासी मित्रों। धन्यवाद सम्राट मोंटो। मैं चाहता हूं जयकुला और वाटोम दोनों देश आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। और जब राम के कहने पर भोर होने के साथ ही कमांडर जोरो ने जयकुला पहुंचकर अपने सम्राट मंडोला और प्रोफेसर भास्कर को वह खुशखबरी दी। आहा, विश्वास नहीं होता कि 24 घंटों के भीतर उस छोटे से लड़के ने यह कमाल कर दिया होगा। निसंदेह, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा मित्र। खैर चलो, चलकर वाटोम की खुशी में शामिल हों। जनरल मोंटो ने विशेष रूप से हमें अपनी ताजपोशी में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। जब वे एक विशेष यान द्वारा वाटोम के हवाई अड्डे पर उतरे तो वाटोम की प्रजा ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया और जनरल मोंटो ने मंडोला को अपने गले से लगा लिया।
सम्राट मंडोला जिंदाबाद, पृथ्वीवासी जिंदाबाद। और जब जैकुला वाटोम गृह में सामूहिक खुशियां मनाई जा रही थी, तो एक दिन, कई दिन हो गए यहाँ हंसी खुशी रहते हुए, अब हमें अपने देश लौटने की इजाजत दो मित्र, हमारे देशवासी हमारे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। इतनी जल्दी? नहीं नहीं मित्र, भला ये कैसे हो सकता है, कम से कम एक माह तो मुझे अतिथि सत्कार करने का मौका मिलना ही चाहिए। हम तुम्हारे प्यार का आदर करते हैं मित्र, और जरूर कुछ दिन और रुकते हैं, लेकिन आजकल मैं एक महत्वपूर्ण प्रयोग में जुटा हूँ जिसकी मेरे देश को बहुत सख्त जरूरत है। मेरे उस प्रयोग के पूरा होने पर हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा, अतः हमें रोकने की जिद ना करें। वैसे वायदा करते हैं कि मौका देखकर हम शीघ्र ही फिर तुम्हारी मेहमानी करेंगे। ठीक है मित्र, जैसा तुम उचित समझो, मैं तुम लोगों के जाने का प्रबंध करता हूँ। और उसी रात जब प्रोफेसर और राम रहीम सम्राट मंडोला के साथ जैकुला के हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका यान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था, वहां उपस्थित जैकुला वाटोम की प्रजा के नेत्रों में आंसू भर आए। विदा मेरे दोस्तों, सम्राट मंडोला जिंदाबाद, सम्राट मोंटो जिंदाबाद, भारतीय मित्र जिंदाबाद। फिर सम्राट मंडोला, सम्राट मोंटो और दोनों देशों की प्रजा से भावभीनी विदाई लेकर प्रोफेसर भास्कर राम और रहीम के साथ अपने यान में बैठकर पृथ्वी की ओर लौट पड़े। और जब उनके यान ने भारत के एक हवाई अड्डे पर लैंड किया, तो वहां पहले से हजारों लोग एवं देश के बड़े बड़े उच्चाधिकारियों के साथ साथ चीफ मुखर्जी व राम की मम्मी डैडी भी उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे, क्योंकि प्रोफेसर भास्कर ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही अपने देश के हवाई कंट्रोल को सारी बात बताकर अपने वापस लौटने का संदेश दे दिया था। मम्मी डैडी अंकल आंटी, राम रहीम जिंदाबाद, प्रोफेसर भास्कर जिंदाबाद, मेरे बेटे। विश्वास नहीं होता कि इतना असाधारण कारनामा करके ये तीनों इतनी जल्दी लौट सकते हैं। लगता है भगवान राम और लक्ष्मण ने इस कलयुग में पापी और शैतानों का नाश करने के लिए राम रहीम के रूप में जन्म लिया है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स मौत बेचने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।